हेलो गाइस, वेलकम टू हैकर टीम। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उसको लगता है टाइम, और वो टाइम होता है वो स्पीड पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको कम टाइम लगता है, लेकिन आप कम स्पीड से जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से साउंड भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो आवाज़ आपके मोबाइल के स्पीकर में से निकल कर आपके कानों में जो पहुँच रही है उनमें लगता है टाइम, लेकिन वो टाइम इतना कम होता है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन उसमें लगता है टाइम, लेकिन वो टाइम बहुत कम होता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को वही करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग टेस्ट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि जो साउंड होती है वो किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपके मोबाइल के स्पीकर में से जो आवाज़ मेरी निकल कर आपके कानों तक पहुँच रही है उसकी जो स्पीड है जाने की वो क्या होगी, वो आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एक खुले ग्राउंड के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्टेंस का मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ से तो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, उस पॉइंट से लेकर मेरे पीछे तो आप एक बंदा देख रहे हैं। दोस्तों, ये पॉइंट तक, यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक पूरा का पूरा 200 मीटर का एरिया है। या दोस्तों, यहाँ पर हमने मेजरमेंट ले लिया है, यहाँ उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना है। उस पॉइंट के ऊपर हम एक छोटा सा बम लगा देंगे और इस पॉइंट के ऊपर हम एक कैमरा लगा देंगे और उस बम को फोड़ेंगे और यहाँ से कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। बाकी की बाद में आगे आप लोगों को बता। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कैमरा सेट कर दिया है और उस पॉइंट के ऊपर हमने सुतली बम भी लगा रखा है, और अब जैसे ही मैं उसको बोलूँगा वो सुतली बम को फोड़ देगा और यहाँ से हमें इस कैमरे के ऊपर हाई FPS के ऊपर हमें शूट करना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा FPS के ऊपर इस वीडियो को शूट करेंगे, बस इतना काम है। बाकी हम चलते हैं आगे का काम, आप लोगों को मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर समझाऊँगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम वीडियो को शूट कर लेते हैं। यहाँ पर से मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ और फिर उसको बोलते हैं कि वो बम को फोड़ दे। तो मैंने यहाँ पर कैमरा का रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है। और हेलो, हाँ, आप बम को फोड़ दो। हाँ, बम कट चुका है। और दोस्तों, हमने इस कैमरे के अंदर इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है और अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और दोस्तों, हमने जो वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया है उसको हमने इसके अंदर कॉपी कर लिया है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने इस वीडियो को इस कंप्यूटर के अंदर डाल दिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि यह कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। तो दोस्तों, अब सिंपल हमें इस वीडियो फाइल को हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जहाँ पर ये जो बॉम्ब फटा है उसकी जो लाइटिंग हुई है वहाँ पर उस फ्रेम के ऊपर हमें पहुँचना है। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको देखते जाते हैं। तो दोस्तों, बॉम्ब को चला दिया है। यहाँ पर क्लिक करके हम एक एक फ्रेम आगे पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम यह देखेंगे कि बॉम्ब कब एग्जैक्ट कब टाइम पे फूटा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस फ्रेम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉम्ब फटा है और इनमें से जो लाइट निकल रही है वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक आवाज़ नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, यहाँ पर इस टाइम पर एग्जैक्ट बॉम्ब फटा है। तो यहाँ पर आप इसकी इनमें से जो आग निकल रही है वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ से हमें गिनना स्टार्ट करना है कि कितनी फ्रेम आगे जाकर आवाज़ आया है। और ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ जो वॉल्यूम का, ये पोर्शन, ये जो है वो बॉम जो पटा है ये उसका साउंड है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक एक फ्रेम आगे बढ़ते जाना है और फ्रेम को गिनते जाना है। यहाँ पर एक दो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
जो फटा है उसका साउंड होता है वो आया है, लेकिन जब पहली फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को स्टॉप करके दिखाया था उस फ्रेम के ऊपर बॉम्ब की जो लाइट होती है वो पहुंच गई थी कैमरे के अंदर। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है यानी कि वो पहले पहुंच जाती है, और साउंड कुछ देर बाद में आया यानी कि 22 फ्रेम बीत चुकी उसके बाद आवाज़ आया है। और अब मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों, हमने जो उसमें वीडियो शूट किया था वो वीडियो 30 FPS के ऊपर शूट किया था यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कैमरा जो है वो 30 यानी कि 30 FPS शूट करता है। जी दोस्तों, 30 फ्रेम को वो शूट करता है यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें 21 फ्रेम के बाद साउंड मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 FPS यानी कि 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर हमें 21वीं फ्रेम में साउंड को देख लिया है यानी कि साउंड पहुँच चुका है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि, और हमने तो डिस्टेंस रखा था वो था 200 मीटर का, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए 200 मीटर ट्रैवल करने के लिए 0.7 सेकंड का टाइम लगा है। जी दोस्तों, 1 सेकंड में 30 FPS होते हैं, लेकिन 21 FPS पर, 22 FPS पर हमारा साउंड पहुंच चुका था। तो दोस्तों यानी कि 0.7 सेकंड के अंदर हमारा साउंड 200 मीटर ट्रैवल कर चुका है। और अब आगे गिनते हैं किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए साउंड को कितना टाइम लगता है। तो कुल मिला के हमने जो 200 मीटर का डिस्टेंस रखा था उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए साउंड को लगा है टाइम 0.7 सेकंड का। और दोस्तों इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो साउंड को 1 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के लिए उसको लगता है टाइम 3.5 सेकंड का। जी हाँ दोस्तों, और मैंने आप लोगों को वीडियो में जैसा बताया कि फ़ोन के स्पीकर में से आवाज़ निकल कर आपके कानों में पहुँचती है उसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम डिस्टेंस को लेते हैं 1 मीटर को। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली हम 1 मीटर जितना फ़ोन रखकर देखते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो डिस्प्ले में जो आंकड़ा देख रहे हैं उस टाइम के ऊपर मोबाइल के स्पीकर में से आवाज़ निकल कर आपके कानों में पहुँच जाती है। ये जो आंकड़ा है ये माइक्रो सेकेंड का भी बहुत ही छोटा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ये माइक्रो सेकेंड भी नहीं है, बहुत ही छोटे हिस्से में यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर आप लोगों के कान तक आवाज़ पहुँच जाती है। इसीलिए हमारे माइंड को पता नहीं चलता है और हमें लाइव ही दिखता है कि ये जो बोल रहा है वो डायरेक्ट हमें सुनाई देता है, लेकिन इनमें इतना डिफरेंस होता है जितना आप लोगों ने डिस्प्ले में आंकड़ा देखा। तो दोस्तों हम ऑफिशियल अगर साउंड के स्पीड की अगर बात करें तो वो है 343 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों उसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा जो आंकड़ा आया है उसको मिलाते तो ये बिल्कुल उसके आसपास ही सेम रिजल्ट लेकर आता है। तो दोस्तों यकीन नहीं होता है कि हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट था उसने इतना अच्छा वर्क किया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद जरूर से आया होगा और कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। तो जो भी भाई लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी लोग वीडियो को कर दो लाइक। हम मिलते हैं आपको इसी तरीके की मजेदार वीडियो में आगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।